आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। तेज खबर 24 में इस वक्त सीधी जिले से बड़ी खबर है, जहां सराफा व्यापारी की दुकान में अज्ञात बदमाशों ने डकैती की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने दुकान में सो रहे सराफा व्यापारी के पुत्र पर हमला कर डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने सराफा दुकान से तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ का माल भी पार कर दिया है। घटना कल देर रात सीधी जिले के मझौली बाजार की है, जहां मझौली के सबसे बड़े सराफा व्यापारी के मकान से सटे दुकान में हथियार से लैस नकाबपोश बदमाशों ने डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर सीधी जिले से, जहां मझौली के सराफा व्यापारी की दुकान में आधा दर्जन से अधिक हथियार से लैस बदमाशों ने धावा बोलते हुए 1 से 1.5 करोड़ की डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। घटना में बदमाशों के हमले से घायल सराफा व्यापारी के पुत्र को उपचार के लिए सीधी जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उधर घटना की सूचना मिलते ही सीधी एसपी व एडिशनल एसपी सहित पुलिस बल के साथ रीवा और सतना की भी एक्सपर्ट टीमें मौके पर जा पहुंची हैं। घटना से जुड़ी जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि मझौली निवासी मोहन सोनी के मकान के बाहरी हिस्से में गीता ज्वेलर्स नाम से सराफा की दुकान संचालित की जा रही थी। बताया गया है कि दुकान और मकान के बीच चल रहे निर्माण कार्य के चलते एक प्लाई लगाई गई थी, जिसे तोड़कर बदमाश रात 2 बजे दुकान के अंदर दाखिल हुए हैं। यहां बदमाशों की संख्या 7 से 8 बताई जा रही है, जो हथियारों से लैस थे और सभी ने अपने चेहरे को नकाब से ढक रखा था। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त दुकान के अंदर व्यापारी का पुत्र सूरज सोनी उर्फ हार्दिक सो रहा था, जहां बदमाशों ने उस पर लाठी डंडे और तलवार से हमला कर दिया और सोने चांदी की ज्वेलरी व कैश सहित तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ का माल पार कर दिया है। देर रात मझौली बाजार में हुई इस घटना के बाद सीधी एसपी पंकज कुमावत, एएसपी अंजुलता पटले सहित स्थानीय थानों की पुलिस बल सहित रीवा और सतना की एक्सपर्ट टीमें भी मौके पर जा पहुंची हैं। पुलिस पीड़ित सराफा व्यापारी सहित गंभीर रूप से घायल हुए पुत्र से घटना की जानकारी जुटाते हुए बदमाशों की पतासाजी में जुट गई है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है, लेकिन बदमाशों के चेहरे पर नकाब होने के कारण उनकी पहचान नहीं की जा सकी है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी सहित मुखबिर तंत्र की मदद से बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। तलवार लिए हैं, 7 लोग हैं। सीधे मुंह में। हाँ देख रहे हैं, लेके गए हैं सीधी। छोटू हैं, मोहन चाचा जी हैं। हाँ ये लोग यहीं दूसरे कमरे में थे। हाँ अब देख रहे हैं थोड़ा सा। हाँ मार बहुत रहे हैं उसको, सूरज को बहुत मारे हैं सूरज को। हाँ नहीं बांध रहे हैं, भाई दुपट्टा लेके बांध रहे हैं। पैर खाली दादरी। तलवार बहुत बड़ी है, तिजोरी भी खुलवा रहे थे लेकिन बेहोश हो गया था। हाँ कुछ खुला है, मार्क्स वगैरह लगाए हैं कुछ। ये लोकल असली से सब, ये चड्डी बनियाई में है। हाँ अब उधर जाके उनके बांध दिए जी।
वीडियो बनाया है तो लीडर नहीं ये यही का पता लगाए उनकी लग गई सर आ जाओ तो यह थी इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सीधी जिले से, जहां कल देर रात अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने सराफा व्यापारी की दुकान से 1 से 1.5 करोड़ की डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं पीड़ित सराफा व्यापारी सहित परिवार दहशत जदा है। अंदर रखी रही कैंटी इन चौड़ का ही है देखा तो गई थी वो ठंडा पैर के निशान पायल के डिब्बा पड़े हैं।